छत्तीसगढ़ के एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को धन धान्य से भरपूर करने आरक्षण विधेयक हस्ताक्षर किए जाने को लेकर कांग्रेस नेता ने राज्यपाल से मांगा दान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा की बधाई देते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ में लोग खलिहानों और घरों में जाकर धान और भेंट स्वरूप पैसों का दान मांगते हैं। छेरछेरा के पुण्य अवसर पर वे राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी दान मांग रहे हैं। राज्यपाल छत्तीसगढ़ की जनता को दान के रूप में विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करें। साथ ही कहा कि प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों की खुशहाली के लिए ये विधेयक लागू होना अति आवश्यक है। आरक्षण लागू होने पर इन वर्गों के बच्चों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी मिल सकेगी, जिससे इन वर्गों के लोग धन धान्य से भरपूर होंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से हमने आज छेरछेरा पुन्नी तो पूस माह में होता है के एवज में हमने मांग किया है कि जो आरक्षण का विधेयक छत्तीसगढ़ की सरकार ने विधानसभा से पारित किया है सर्वसम्मति से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण विधेयक 76% का जो विधेयक पास हुआ है उसको आज छेरछेरा के पावन अवसर पर हस्ताक्षर कर दे उसमें और उनके हस्ताक्षर से निश्चित तौर पे यह आरक्षण लागू होगा और जो हम धान का या अनाज का जो हम मांग करते हैं वह अनाज हमको चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो शासकीय और अर्धशासकीय आरक्षण लागू हो जाए जल्दी से और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं जिनको आरक्षण के लाभ मिलना है उनके आरक्षण का लाभ मिले और आरक्षण का लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर पे वे समाज वो वर्ग धन्य धान्य से भरपूर रहेगा और उनको लाभ मिलेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद किए हैं। और पुनः मैं राज्यपाल महोदया से मांग करता हूँ ये आरक्षण आज इस पुण्य अवसर पर छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर हम लोगों को भाजपा के लोग भी विरोध कर रहे हैं। भाजपा के लोग शुरू से भी चाहते कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चाहे केंद्र में बनी हो तो या पिछली सरकार आप रमन सिंह की देख लो इनको कितना अवसर दिए, इनको सरकार में भागीदारी बने ये नहीं चाहते कि इनको शासकीय नौकरी में भागीदारी बने बल्कि उल्टा बोल लो सीधा बोल लो कांग्रेस की जो सरकार है जब जब बनी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग सहित किसान के लिए मजदूरों के लिए योजनाएं लेके आती है और उस पे काम करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।